अब इनिशियली डेज में जब गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था तो बहुत ही कम समय में उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमा लिया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 का दौर आते आते गोविंदा के पास फिल्मों की लंबी फहरिस्त थी और बताया जाता है कि वो एक दिन में करीब 10 से 12 फिल्मों की शूटिंग भी किया करते थे और इसकी वजह से वो लेट लतीफी के कारण काफी ज्यादा बदनाम भी हो चुके थे। अब गोविंदा की अगर बात करें तो गोविंदा बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टारों में से रहे हैं जिनके स्टारडम के आगे उस दौरान के कई सारे स्टार्स फीके नजर आते थे, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और आज के दौर में गोविंदा को कोई पूछने तक के लिए तैयार नहीं। आज गोविंदा बिल्कुल गुमनाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। 2019 में आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा करने के बाद आज उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो कोई बड़ा कमबैक करें। लेकिन बात करें गोविंदा के अगर करियर की तो गोविंदा ने अपने करियर में एक ऐसा परचम लहराया था जिसकी गूंज आज भी बॉलीवुड के गलियारों में सुनाई देती है। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी समय आया जब पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री गोविंदा के खिलाफ हो गया था। अब गोविंदा बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनका लुक और डांस स्टेप काफी ज्यादा लोकप्रिय माना गया है। 80 और 90 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो नाम थे जिसके साथ हर डायरेक्टर काम करना चाहता था। कोई भी निर्माता निर्देशक गोविंदा के साथ अगर कोई भी फिल्म कर लेता था तो उस फिल्म को हिट माना जाता था। 14-15 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन कहते हैं ना इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुछ ऐसा ही गोविंदा के साथ भी हुआ। अब ये वही इंडस्ट्री थी जो गोविंदा का दीवाना थी, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री गोविंदा के खिलाफ हो गई थी और उन पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप भी लगे। अभी हाल ही में गोविंदा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कई सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। News18.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो गोविंदा एक जमाने में साल में एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 फिल्में किया करते थे, लेकिन फिर अचानक ने गोविंदा ने क्या सोचा कि वो पॉलिटिक्स में आ गए। हाल ही में फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर ने गोविंदा पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप भी लगाया था और फिल्म इंडस्ट्री गोविंदा के खिलाफ भी हो गई थी। और इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अभी हाल ही में गोविंदा ने मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो में नजर आए। शो में खुद पर लगे अनप्रोफेशनल होने के आरोपों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मनीष पॉल ने जब गोविंदा से पूछा था कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने उन पर अनप्रोफेशनल और आलसी होने का आरोप क्यों और कैसे लगाया था, इस बात का जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत से लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जब मैं 14-15 साल तक अपने करियर के पीक पर था, जब सब कुछ मेरे फेवर में चल रहा था, तब तो किसी ने कोई मुद्दा खड़ा नहीं किया। ये फिल्म इंडस्ट्री है, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। मैं 14 साल तक टॉप पर था, कोई प्लानिंग नहीं थी। गोविंदा यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र जैसी चीजों के बीच पले बड़े होते हैं वो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, पहाड़ भी ढह जाते हैं। खैर ये वही दौर था जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे और उनके पास ढेरों सारे फिल्मों के ऑफर थे और उनसे जलने वालों की लंबी फहरिस्त भी थी। उस समय के तमाम बड़े ऐसे स्टार्स थे जो गोविंदा के स्टारडम से जलते थे और वो चाहते थे कि गोविंदा का करियर खत्म हो जाए, और ठीक ऐसे ही हुआ। गोविंदा ने भी कुछ गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज वो अपना करियर गंवा कर भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी गलती बताई जाती है लेट लतीफी होना। बताया जाता है कि जब उनके पास ढेरों सारे फिल्मों के ऑफर थे तो किसी भी निर्माता निर्देशक को बिल्कुल भी निराश नहीं करते थे, उनकी फिल्में झट से साइन कर लिया करते थे। लेकिन एक दिन में 8 से 9 फिल्मों की शूटिंग एक साथ करना ये मामूली बात नहीं थी और गोविंदा हर किसी को निराश भी नहीं होने देते थे। ऐसे में सुबह वाला शेड्यूल वो शाम को पूरा कर देते थे, लेकिन लेट लतीफी की वजह से तमाम निर्माता निर्देशक समेत गोविंदा के को स्टार्स भी काफी ज्यादा परेशान रहे। ये गोविंदा की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। और बाद में जब गोविंदा का करियर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया तो उन्हीं निर्माता निर्देशकों ने गोविंदा को अपनी फिल्मों में नहीं लिया। ये गोविंदा के लिए सबसे बड़ा झटका था। साथ ही गोविंदा की सबसे बड़ी गलती ये भी बताया जाता है कि उनका पॉलिटिक्स में आना। अब गोविंदा ने पता नहीं क्या सोचा कि मैं अगर हीरो नंबर 1 बन सकता हूं तो राजनेता नंबर 1 क्यों नहीं बन सकता। ये गोविंदा की सबसे बड़ी भूल थी। और गोविंदा ने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तो कई सारे उनके चाहने वालों ने इसमें ना जाने की नसीहत भी दी थी, लेकिन गोविंदा के ऊपर राजनीति का बुखार सवार था और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन बाद में जब उन्हें इस बात का पता चला कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। राजनीति को छोड़ने के बाद एक बार फिर से गोविंदा अपना पैर जमाना चाहते थे, लेकिन उस समय के कई सारे ऐसे स्टार्स आए जिन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग ही छाप छोड़ी और गोविंदा उस हिसाब से कामयाब नहीं हो पाए जिसकी वो कल्पना करके एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं।